हेलो जय जय, कहाँ हो तुम? सोनी बुरे वो लोग नहीं, बुरे हम हैं। सोनी वो इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस को समर्थ ने मारा था, रसल ने नहीं, और अभी निकोल को कहीं लेके गया है पता नहीं कहाँ। मुझे उसे ढूंढना होगा। जय, तुम्हारी बहन की ऑपरेशन के सदमे ने उसको पागल कर दिया। जय, तुम्हारी सेवा पास। जय, लिसन टू मी। भाई को पता था कि अगर उन्होंने दी का ऑपरेशन कराया तो वो नहीं बचेंगी। क्या? और मुझे भी पता था, पर कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। बहुत देर हो चुकी है, इस ऑपरेशन में इनकी जान भी जा सकती है। ये अबॉर्शन तो करना होगा, हमें इस बच्चे को गिराना होगा। शायद इसीलिए मैंने हमेशा कोशिश की है कि इंडियंस और ऑस्ट्रेलियन से एक साथ आ सके, क्योंकि अगर वो साथ होते तो आज शायद शीना। भाई से एक्सेप्ट कर लेते। तुम ठीक कहते थे, सारी जिंदगी मैं दूसरों को कहती रही, पर जब अपनी बहन के लिए स्टैंड लेने की बारी आई तो कुछ नहीं कर सकी मैं, कुछ नहीं। सोनी, जय, तुम्हें निकोल को बचाना होगा, भाई को रोकना होगा। दी को तो मैं नहीं बचा पाई, पर अगर निकोल को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। सोनी मेरी बात सुनो, तुम अभी इसी वक्त वहां से निकलो। सोनी सोनी, मैं वहां आ रहा हूँ। सोनी डॉक्टर, it's your friend Russell. Come on, come on. Get on now. Open it. Open it. Swani, to wahan se niklo, Swani. No. Swani. Swani, Swani, main wahan pe aa raha hu. Swani, tum Nicole ko bachao. मेरी फिक्र मत करो, ये आग तभी बुझेगी जब आप बेवजह उनकी मदद करेंगे। Judas, this is the only way this is going to end. Sorry. I know, भाई उसे कहाँ ले गए होंगे? What a street. जान सी ना मरी थी। Please, do this for me. जय. I love you. Sonia. Sonny! Sir, Nicole, get the city! Nicole, come and tell her, share it with the boys, come and tell! Please don't kill me. Please. Sonny! जब मैंने पाया तुझे खो दिया, खाब आंखों में आते हुए दूर यूं हो गया कि तेरे बिना जीना खुले, सीने में कोई गम सा चले, जाना है कहां तेरे सिवा, ओ, 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 मुझे तेरी पना को।
तो खोद रो में। निकोल को छोड़ दे समर्थ। हैव यू गॉन ब्लाइंड? अंधा हो गया है तू। पर मैं रोमी हम हैं तेरे अपने, ये नहीं। खुली है ये लोग। यहां के हर हिंदुस्तानी को मरवाना चाहते हो तुम समर्थ? अगर निकोल को कुछ हो गया ना तो इस पूरे शहर को आग लग जाएगी। तो लग जाए आग। रसल ने जो छोटी को मारा उसे भूल जाओ। तुम्हारी बहन को रसल ने नहीं तुमने मारा है। अगर तुम्हें अपनी बहन और रसल के रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता तुमको। रसल छोटे को मारा। परंपरा और कल्चर की बात करते हो तुम? हाँ समर्थ, ये अपने देश के लिए कर रहे हो तुम? हाँ, अपने अंदर झांके देखो समर्थ। अपने आप से भाग रहे हो तुम। रेसिस्ट सिर्फ ये लोग नहीं, तुम भी हो, जो अपनी बहन के प्यार को भी नहीं देख पाया। इसकी बातें मत सुन, मत्ता फिर गया इसका। अरे बुरे हैं वो लोग और अच्छे हैं हम, और इस लड़ाई में अच्छाई की जीत होगी। सो जस्ट हेल्प मी विन। अच्छाई और बुराई को अलग करने वाली लकीर सीधा दिल से निकलती है समर्थ। हम सब में अच्छाई भी है, हम सब में बुराई भी, लेकिन जो अपनी बुराई को देखने की हिम्मत रखे ना वो ही इंसान है समर्थ। सही हूं मैं और गलत है ये। तो मुझे मारना चाहता ना? कम ऑन क्यों मैं? लेकिन मेरे मरने से भी ये सब खत्म नहीं होने वाला। एक समर्थ को मारूंगा लेकिन न जाने और कितने पैदा होंगे। तुझे तो खत्म कर दूंगा लेकिन तुम्हारी इस गंदी बीमारी को खत्म नहीं कर पाऊंगा समर्थ। इस मर्ज का इलाज तुम्हारी मौत में नहीं समर्थ, तुम्हारी जिंदगी में है। तुझे जीना होगा। दो बहनों के खून से रंगीन हाथों के बोझ में अपने अंदर की बुराई को देख समर्थ, अंदर की बुराई को देख। अब हुआ
तेरे सिवा वो, ओ, ओ। कौन कहता है कि चमत्कार का दौर खत्म हुआ। आज मेलबर्न की सड़कों पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई लोग एकजुट, एक साथ, एक आवाज से अमन का नारा लगाते हुए एकत्रित हुए। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुछ हिंदुस्तानी और ऑस्ट्रेलियंस के बीच बढ़ता तनाव उस वक्त खत्म हुआ जब एक शख्स जो भारत से मेलबर्न एक जाली पासपोर्ट बनाकर आया था, उसने अपनी जान पर खेलकर एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की की जान बचाई। इस वाकये से सूरज उर्फ जय दीक्षित ने सारे ऑस्ट्रेलियाई वासियों का दिल खोल दिया है। ने कई जिन्ना ते अख जई आ गई, तू जाना है ता